Allah. दिल को दम दम चला के पीता हूँ, मेरा तो ईमान महमूदी, वो खुदा के घर में मुसला बिछा के पीता हूँ, वो दम मस्त कलंदर कलंदर जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। खुदाए बुजुर्गों बरतर की तलाश एक ऐसा अमल है जो इंसान को जाहिरी दुनिया से न सिर्फ बेगाना कर देता है बल्कि फिर तो उसे हर जा बारी ताला के करिश्मे और मौजजात दिखाई देने लगते हैं। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। महबूबे हकीकी की यही जस्तजू अपने दिल में लिए सन 1739 ईस्वी बमुताबिक 1150 हिजरी में हजरत मियां सलाहुद्दीन फारूकी के घर उस बच्चे की विलादत हुई जिसका पैदाइशी नाम तो अब्दुल वहाब रखा गया, मगर आगे चलकर वो अपनी हक गोई और सरमस्ती के सबब सच्चल सरमस्त कहलाए। ये है अललुल हक का नारा लगाने और हकीकी महबूब को दिल में तलाश करने का दर्स देने वाले वादिये मेहरान के अजीम सूफी शायर और वलीये कामिल की दरगाह जो एक छोटे से कस्बे दराजा शरीफ में वाके है, कौमी शाहरा से जरा हटकर जिला खैरपुर मीरस में वाके दराजा शरीफ का मुमताज और मुनफरिद मकाम दर हकीकत हजरत सच्चल सरमस्त के कलाम का ही मरहूने मिन्नत है। हजरत सच्चल सरमस्त का शजराए नस्ब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है, इसी सबब से उनका खानदान फारूकी कहलाया। आपके आबाओ अजदाद में से एक बुजुर्ग शेख शहीद दीन बिन अब्दुल अजीज फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम के हमरा सिंध तशरीफ लाए, इस तरह आपका खानदान सिंध मुंतकिल हुआ। अभी आप 6 ही साल के थे कि आपके वालिद मोहतरम इस दारे फानी से कूच कर गए, लिहाजा आपकी तमाम तर तालीम और तरबियत और परवरिश की जिम्मेदारी आपके चचा हजरत मियां अब्दुल हक पर आ पड़ी और उन्होंने इस जिम्मेदारी को इस ऐसन तरीके से निभाया कि धीरे धीरे सच्चल सरमस्त उन्हें अपना मुर्शिद मानने लगे। खुदा जिसे अपनी तलाश के लिए चुन ले फिर उसके दिल और आंखों को करार कहा। आप बचपन से ही आम बच्चों से मुनफरिद थे, सब कुछ जान लेने को बेकरार, खोई खोई सोचों में डूबी आंखें धीरे धीरे उनकी पहचान बन गईं। कम उम्री में ही वो जान गए थे कि अगर उनको अपनी मंजिल हासिल करनी है तो उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इल्म है। लिहाजा उस्ताद मोहतरम हाफिज अब्दुल्ला कुरैशी की सरपरस्ती में उन्होंने सबसे पहले कम सिनी में ही कुरान पाक हिफ्ज किया, फिर उसके साथ ही दीगर उलूम और मुख्तलिफ जबानों मसलन अरबी फारसी उर्दू पंजाबी सिंधी सराइकी और बलोची पर उबूर हासिल किया। दुनिया व माफिया से बेखबर आलूदगी से पाक उनका जहन
सच्चे और सरमस्त ख्यालात बुनने लगा, जो बिलाखिर शायराना लफ्जों का रूप धार कर उनके लबों से मोती बनकर बिखरने लगे। वहदानियत, इंसानियत, सच्चाई, बुरे आमाल से परहेज और खास तौर पर सच्चे दिल से अपने खालिक के हकीकी की तलाश, ये वो मौजूआत थे जो उनकी शायरी और तालीमात में सरे फहरिस्त रहे। यूं ही तो नहीं इश्क में सरमस्त हुआ मैं, एक रूह मेरी रूह में तहलील हुई है। सूफी मिजाज, सूफी तर्ज जिंदगी और सूफियाना ख्यालात, गर्ज के हजरत सच्चल सरमस्त सरता पास सूफी थे। 14 रमजानुल मुबारक 1242 हिजरी में बजाहिर इस बेबदल सूफी बुजुर्ग शायर ने दाईये अजल को लब्बैक कहकर दारुल बका को कूच किया। ताहम उनकी तालीमात और उनकी शायरी आज भी भटके लोगों के लिए मशले राह है। आपकी वफात के बाद 1243 हिजरी में वाली रियासत खैरपुर मीरस मीर रुस्तम अली खान ने आपका मकबरा तामीर करवाया, जिसका शुमार वादी मेहरान के निहायत खूबसूरत और दीदा जेब मकबरों में होता है। हजरत सच्चल सरमस्त के मजार का गुम्बद सिंध की रिवायती कारीगरी से मुजयन है, जबकि मजार के छोटे छोटे मीनारों पर भी निहायत उमदा नक्शो निगार बनाए गए हैं। इसके अलावा मजार का खूबसूरत और आलीशान दरवाजा फन तामीर का बेहतरीन नमूना पेश करता है। गर्ज के पूरा मजार ही रंगीन नक्काशी और उमदा कारीगरी की बदौलत सिंध की कदीम तहजीब में डूबा नजर आता है। इसी मजार में मियाँ सलाहुद्दीन फारूकी, मियाँ अब्दुल हक, सालची कबूल मोहम्मद अव्वल और फारूकी खानदान की दीगर बुजुर्ग शख्सियात के मकबरे भी मौजूद हैं। मकबरे के बाहर और बराबर में दरगाह से मुंसलिक कई खलीफों के मजार भी हैं, जिनमें नीमानुल फकीर का मजार नुमाया है, जो सच्चल सरमस्त के खास खलीफों में से एक थे। दरगाह के साथ एक मस्जिद भी बनी हुई है, जिसे मीर रुस्तम अली खान ने तामीर करवाया था। ये मस्जिद अपनी सादगी के बावजूद तर्ज तामीर के आला मयारात पर पूरी उतरती है। हजरत सच्चल सरमस्त के फैज का दरिया आज भी जारी और सारी है। मुल्क के तूलो अर्ज से लाखों जायरीन अपने दिल की मन्नतें और मुरादें लिए मजार पर हाजिरी देते हैं और उनके पूरा होने पर दुआओं और अकीदत के फूल मजार पर निछावर करते हुए नम आंखों के साथ अपने घरों को लौट जाते हैं। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं।